नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पज़ल। पज़ल के दो लेक्चर हमारे आ चुके हैं और हमारा प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवा सके। एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि देखो, हर एक सवाल, हालांकि हमने कोशिश की है हर एक सवाल करवाने की, शायद कोई कुछ रह गया हो दो चार सवाल, तो देखिए सारे सवाल करवाने भी संभव नहीं हो पाते। मैंने प्रयास किया जो मैक्सिमम हार्ड से हार्ड जो थे सवाल, जो मेरे को लगे कि आपको हार्ड लगेंगे, उन सवालों को मैंने प्रयास किया करवाने का, और इसलिए एक लेक्चर और है। इसमें जो भी आपके कोई मेरे को ठीक लगे सवाल, जो अच्छे लेवल के थे, तीन चार सवाल, उन्हें लिया है मैंने। बाकी देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पजल देखिए, अभी पहला सवाल आज का। पहला सवाल कहता है कि ए बी सी डी चार छात्र हैं, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी लोग हों किस तरीके से बनाएंगे आप ऐसे बना लीजिए। आप सीधा बना सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है दिक्कत। ए बी सी डी इस तरीके से बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपको दे रखा है कि चार विभिन्न शहरों P, Q, R, S अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं में पढ़ रहे हैं। मतलब कि चार शहर में हैं P, Q, इनके शहरों के नाम हैं P, Q, R और S, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। मतलब कि ये कुछ जरूरी नहीं है कि A, P में, B, Q में, C, R में, ये कुछ जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या है, उनका कॉलेज दे रखा है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इंजीनियरिंग। कॉलेज कौन से हैं उनके? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इंजीनियरिंग। चार विभिन्न राज्यों, गुजरात, राजस्थान, असम और केरल। स्टेट दे रखे हैं हमें, स्टेट क्या है? गुजरात, राजस्थान, असम और केरला। अब आगे आपको देखो, इतनी चीजें, ये हमारे पास जानकारी थी कि वो क्या है, अब इनके बारे में कोई कंडीशन नहीं थी। कंडीशन अब देखो, अब हम यहां बनाएंगे, यहां देखिए क्या लिखेंगे हम यहां तीन कॉलम बना लेंगे। तीन कॉलम क्यों बना लेंगे भी? तीन कॉलम हम इसलिए बना लेंगे क्योंकि हमारे पास कितनी चीजें हैं, देखिए, एक तो है इनके शहर का नाम, एक है इनका कॉलेज, एक आपको दे रखा है क्या है इनका, स्टेट या राज्य। तीन दे रखे हैं हमें और हमने तीन इस तरीके से बना लिए। हमें तीन दे रखे हैं और हमने तीन क्या कर लिए, बना लिए। अब देखिए, शहर, कॉलेज और स्टेट, तीन चीजें हमें दे रखी थी, हमने तीन बना लिए। अब देखिए ये क्या कहता है, कंडीशन पढ़िएगा। डी असम राज्य में पढ़ रहा है। डी कहां पढ़ रहा है? असम राज्य में। डी कहां पढ़ रहा है? असम राज्य। स्टेट, स्टेट कौन सा है? डी का। देखो डी का स्टेट कौन सा है? असम। उसके बाद क्या है, आर्ट्स कॉलेज शहर एस में है। क्या यहां भर सकते हैं क्या? एक बात सोचिए कि क्या यहां भरा जा सकता है? एस कॉलेज अब यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, नहीं पता ना मुझे, इसलिए अपन इसको यहां लिख देते हैं। या यहां हमारी जानकारियां किधर है, सारी की सारी इधर जानकारियां हैं, तो इसमें लिख देते हैं क्या, आर्ट्स कॉलेज एस शहर में है, जो कि राजस्थान में है। आर्ट्स कॉलेज एस शहर में है, जो कि कहां है? राजस्थान। यानी कि तीनों आएंगे तो इकट्ठे आएंगे, ठीक है। एक कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। अब देखो ए के बारे में जानकारी दे रखी है, यहां हम भर सकते हैं इसको कि ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। बी शहर क्यू में पढ़ रहा है। ये देखिए, ये बी शहर है और ये बी है और बी क्या दे रखा है आपको, शहर क्यू में। शहर कौन सा है बी का? क्यू में पढ़ रहा है। और साइंस कॉलेज केरला में स्थित है। यहां लिखेंगे हम साइंस कॉलेज कहां स्थित है? केरला में स्थित है। साइंस कॉलेज आपका जो है वो कहां स्थित है? केरला के अंदर है। अब यहां पर समझिए आप कि इनमें से हम और क्या भर सकते हैं, और तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।
मेरे पास जो जानकारी थी मैंने यहाँ लिख दी। अब आप कहेंगे सर ये यहाँ था एक कि आर्ट्स ए शहर में है और कहाँ है, राजस्थान में। ये तीनों के तीनों, राजस्थान, ए शहर और आर्ट्स, तीनों एक ही लाइन में आएंगे आएंगे। अब बताओ इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें तीनों की खाली पड़ी है, एक ही लाइन ऐसी हो जो खाली पड़ी है। यहां पर असम आ जाएगा तो राजस्थान नहीं आएगा, यहां पर तीनों खाली पड़े हैं। एक बार के लिए इसको छोड़िए, अपने ये देखते हैं कि नीचे कहीं आ सकता है क्या। तो यहां राजस्थान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आर्ट्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऐ शहर आ पाएगा क्या यहां पर? नहीं आ पाएगा। उसी तरीके से यहां पर शहर तो आ जाएगा, लेकिन क्या कॉमर्स, अपने पास क्या है, आर्ट्स, तो क्या यहां आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो आप कहेंगे सर आर्ट्स, एस और राजस्थान तीनों एक ही दिशा में है, या सॉरी एक ही लाइन में है। आप कहेंगे सर में ये देखो कि आप कौन सा खाली पड़ा है, तो मैं कहूंगा आपको एक दो तीन, देखिए ये खाली पड़ा है। तो यहां भर सकते हैं इसको, एस में कॉलेज है इसका आर्ट्स और है कहां पर, राजस्थान। समझ रहे हैं, एस शहर, कॉलेज आर्ट्स और राजस्थान, और मेरे पास जगह ही नहीं थी। यहां भरता तो यहां शहर का नाम नहीं आ सकता था, यहां भरता तो यहां पर कॉलेज नहीं आ सकता था, यहां भरता तो यहां पर स्टेट नहीं आ सकता था। लेकिन मुझे तो तीनों एक ही लाइन में दे रखे थे, तो ये जो है इसमें तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? चलिए ये क्लियर हो गया, इसको काट दीजिए, इसको काट दिया करो। जो चीज, जो इन्फॉर्मेशन काम में आ जाए, हालांकि आपके इतनी बड़ी पजल आती ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको काट दिया करो, ठीक है। साइंस जो है कॉलेज, वो केरला में है। अब देखिए कॉलेज के लिए दो सीटें खाली है ना, दो सीटें खाली है। अब बताओ यहां अगर मैं साइंस लिख दूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, असम, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइंस कहां पर आएगा, केरला में आएगा। यहां साइंस लिख दूंगा तो यहां असम है तो नहीं आएगा। ये तो बुक हो ही गया, ये भी बुक हो गया, तो यहां साइंस के लिए जगह क्या बची? आप कहेंगे सर ये जगह पड़ी है ना आपके पास, साइंस कौन से राज्य में है, केरला के अंदर। केरल के अंदर साइंस कहां है, केरला में है, ठीक है। अब देखो, अब जब तीन, जब एक चीज रह जाती है तो हम निकाल सकते हैं। असम काम में ले लिया हमने, कहां पर है असम काम में ले लिया, राजस्थान काम में ले लिया, केरला काम में ले लिया, एक बचा गुजरात, और जगह भी कितनी बची, एक। यहां मैं कह सकता हूं कि जो जगह बची उसमें गुजरात ही आएगा, ना तो मेरे पास कोई शहर बचा एक्स्ट्रा में और ना ही मेरे पास कोई जगह बची, इसलिए मैं कह दूंगा कि ये जो जगह है इसमें क्या आएगा, गुजरात आएगा, ठीक है। इस जगह में क्या आएगा, गुजरात आएगा। इसके अंदर भी देखो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों काम में आ गए, कॉमर्स काम में आ गया, साइंस काम में आ गई और आर्ट्स काम में आ गई। तो अपने पास बचा क्या, इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। एस भर दिया, क्यू भर दिया, एस भर दिया और क्यू भर दिया। अब देखो यहां पर कौन बच गया मेरे पास, पी और आर, पी और आर दो बच गए, और दो ही मेरे पास क्या बच गई, जगह बच गई। अब बताओ कैसे करें, पी यहां आएगा या यहां आएगा, नहीं बता सकता। आर कहां आएगा ये भी नहीं पता मुझे, जब मुझे पता ही नहीं तो मैं ये कह दूंगा कि क्या कह दूंगा मैं, कि अगर पी यहां आएगा तो आर नहीं आएगा, और यदि पी यहां आएगा तो यहां पर आर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको साधारण भाषा में बता दूं कि यदि पी यहां आएगा तो आर यहां पर आएगा। इसको अपने ऐसे कर देते हैं ना, ये देखिए, यदि पी यहां पर आएगा तो आर यहां पर आएगा, और यदि P यहां पर आएगा तो R, यानी कि इसके बारे में अभी मैं डाउटफुल हूं कि इसमें क्या आएगा, ये मैं अभी नहीं बता सकता। P यहां पर आएगा तो R यहां पर आएगा, और P यहां पर आएगा तो R यहां पर आएगा, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि कौन कहां पर आएगा, इसलिए आप इसको ऐसे का ऐसे लिखकर छोड़ दीजिए। ये चारों भर सकता हूं मैं, ये भी चारों भर सकता हूं, लेकिन ये दो मुझे कन्फर्म है, इन दोनों का मुझे अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अब हम उठाते हैं सवाल, तो क्या सवाल है, देखिए सवाल है हमारा सॉरी सवाल है ए कहां पड़ता है। पहला सवाल, ए कहां पड़ता है, ए
नीचे आपको दे रखा है चार ऑप्शन, राजस्थान में, गुजरात में, शहर क्यू में या केरला में। तो ए दोस्तों कहां पढ़ रहा है? गुजरात में पढ़ रहा है। ए का कॉलेज तो डिसाइड ही, सॉरी, ए का शहर तो डिसाइड ही नहीं है, शहर तो इसका डिसाइड ही नहीं है, और कॉलेज डिसाइड है कॉमर्स, और एक हमें डिसाइड है क्या? गुजरात। इसमें एक ऑप्शन था ऑप्शन बी गुजरात। तो ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा गुजरात। चलें आगे, देखो बाकी के ऑप्शन मैं बता देता हूं। देखो अगला कह रहा है ऑप्शन डी था केरला, केरला क्या था? बी था, तो गलत हो गया। शहर क्यू में, शहर क्यू भी बी था, वो भी गलत हो गया। ए ऑप्शन था राजस्थान में, राजस्थान तो क्या है? सी पढ़ रहा है, तो वो भी गलत हो गया। इसने हमसे क्या पूछा था? ए पूछा था। तो ए तो कहां पढ़ रहा है? गुजरात में पढ़ रहा है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। साइंस कॉलेज किस शहर में स्थित है? साइंस कॉलेज कहां है? ये रहा साइंस कॉलेज, शहर का नाम पूछा गया है, तो आप क्या कहेंगे? सर साइंस कॉलेज तो क्यू में है, आपका ऑप्शन नंबर ए। सी कहां पढ़ रहा है? आपसे पूछा गया है पहला ऑप्शन साइंस कॉलेज में, सी साइंस कॉलेज में है क्या? नहीं। ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, बिल्कुल है। तीसरे का हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब पहला, डी जो है वो शहर एस में नहीं पढ़ रहा। देखो डी कहां है? ये रहा डी, तो क्या ये एस में यहां एस आ सकता है क्या? ये बताओ, पी और क्यू में से कोई भी आएगा, लेकिन क्या एस आएगा क्या? एस तो कहां पर आ गया? सी में आ गया। तो ये सी में एस आ गया, मतलब सी कौन से शहर में पढ़ रहा है? एस शहर में पढ़ रहा है। तो क्या बताओ, डी एस शहर में पढ़ सकता है क्या? डी, पी और आर दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन एस नहीं हो सकता। तो यहां हमारे को पहले ऑप्शन में ही पता लग गया क्या, कि डी शहर एस में नहीं पढ़ रहा। बाकी ऑप्शन आपके लिए मैं चेक कर देता हूं। ए साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, ए साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, ए कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है? कॉमर्स, गलत हो गया। ए केरला में पढ़ रहा है, ए तो कहां पढ़ रहा है? गुजरात में, ये भी गलत हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में है, इंजीनियरिंग कॉलेज असम में है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए जो था हमारा सही था। इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगला सवाल है, इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या वहां सी पढ़ रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज में सी पढ़ रहा है क्या? नहीं, डी पढ़ रहा है। वहां पर बी पढ़ रहा है? नहीं। यह गुजरात में है, तो बताओ इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में है क्या? आप कहोगे सर नहीं, असम में है। ऑप्शन डी जो क्या है? डी पढ़ रहा है। तो हाँ बिल्कुल, इंजीनियरिंग कॉलेज में डी पढ़ रहा है। पांचवें का सवाल हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन पढ़ रहा है? डी पढ़ रहा है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इंजीनियरिंग कॉलेज असम में है, इंजीनियरिंग कॉलेज असम में है। इसने पूछा क्या था? कौन सा कथन सही है? तो इंजीनियरिंग कॉलेज असम में है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, इंजीनियरिंग कॉलेज असम में है। तो छठे का पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कि इंजीनियरिंग कॉलेज असम में है। ये हमारा हो गया, जो भी थे छह सवाल, एक पजल के ऊपर छह सवाल थे। अगर इतना आसान सवाल पेपर में आ जाए तो हमें और क्या चाहिए, है ना? कॉन्फिडेंस रखा करो, कॉन्फिडेंट रहा करो। कोई भी पजल आती है, आप पजल का एक उसूल है, देखिए अगर आप एक लाइन पढ़ते या देखकर उसको हार मान गए तो वो कभी भी नहीं बनेगी आपकी। हौसला रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। क्या है, एक बात बताइए, इस पजल में क्या था? सब कुछ तो उसने दे रखा था मुझे। लोग कहते हैं पजल हार्ड होती है, मैं कहता हूँ पजल आसान होती है, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना होता, सब कुछ वो अपने को लिख के देता है। तो पजल आसान है, ना कि हार्ड है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करते हम, वहां मार खा जाते हैं, तो प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, ठीक है? देखिए भी अगला सवाल, सी सेट 2015,
दो पुरुष हैं अनिल और डेविड, अनिल और डेविड, और दो महिलाएं हैं शबनम और रेखा, शबनम और रेखा। ठीक है, आपको रीजनिंग वाले सर ने बताया होगा, या पहली बात श्योरली बताया होगा, लेकिन मैं आपका दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पुरुष के ऊपर क्या कर दिया करो, बॉक्स बना दिया करो, और लेडीज के ऊपर क्या कर दिया कीजिए, राउंड कर दिया कीजिए। या उन्होंने आपको एक इसका विपरीत बताया होगा कि पुरुष पर राउंड कर दीजिए या महिलाओं पर स्क्वायर कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपने दिमाग के अंदर, ये आपके दिमाग की उपज होती है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको स्क्वायर क्या मतलब बॉक्स बनाता हूं, तो मेरे लिए जहां पर भी बॉक्स बनता, यानी कि अगर मैंने बनाया है कि बॉक्स बनाया है, तो मेरे दिमाग ये कहता है हमेशा कि वो पुरुष है। आपका दिमाग आपके हिसाब से साइन यूज कर सकते हैं, आप ट्रायंगल यूज कर लीजिए, क्योंकि आपका दिमाग क्या कहता होगा कि सर ट्रायंगल वाला हमेशा मेरा, अगर मैंने ट्रायंगल बनाया तो इसका मतलब वो मैं हमेशा ट्रायंगल मेल के लिए बनाता हूं। ऐसा कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी सुविधा के लिए फिर भी लिख देता हूं आगे, मेल मेल फीमेल एंड फीमेल। ठीक है, दो तमिल भाषी हैं, दो तमिल भाषी हैं और दो मराठी भाषी हैं, दो को तमिल आती है और दो को मराठी आती है। अब यह बात ध्यान में रखिएगा कि किसको क्या आता है, यह नहीं पता मुझे, ठीक है, यह नहीं पता किसको क्या आता है। एक पुरुष और एक महिला कार चला सकते हैं, कार कौन चला सकता है, एक मेल और एक फीमेल। इसने हमारा सवाल इतना आसान कर दिया कि सब कुछ लिख कर दे दिया कि शबनम मराठी है, शबनम शबनम, ये मैं बना देता हूं यहां पर आपकी सुविधा के अनुसार, शबनम क्या है, मराठी है, शबनम मराठी है, अनिल जो है तमिल भाषी है, अनिल जो है तमिल भाषी है, रेखा और डेविड कार चला सकते हैं, रेखा कार चला सकती है और डेविड भी कार चला सकता है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी सूचना नहीं है। तो बताइए कार कौन चला सकता था, एक मेल और एक फीमेल, एक मेल कार चला रहा है तो एक फीमेल भी कार चला रही है। इसने लिख के दिया था कि एक मेल और एक फीमेल कार चला सकते हैं, तो बाकी के कार नहीं चलाते होंगे, एक मेल चला सकता है और एक फीमेल, जो कि मैंने भर दिया, बाकी के दोनों नहीं चलाते होंगे इसका मतलब। अब बताइए दो तमिल भाषी थे, अब ये नहीं बता सकता मैं कि ये तमिल एक तो आ गया, दूसरा तमिल कौन है, ये है या ये है, ये तो नहीं बता सकता मैं। अच्छा मराठी भी ये है या ये है, मैं नहीं बता सकता, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, दोनों तमिल भाषी, ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं, मुझे यही नहीं पता कि दोनों तमिल भाषी है कौन, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एक तो मुझे पता है तमिल भाषी है, और पहली बात तो एक जो तमिल भाषी है वो कार नहीं चला सकता, तो दोनों कार कहां से चला देंगे, तो गलत हो गया ऑप्शन ये। दोनों मराठी भाषी कार चला सकते हैं, शबनम मराठी भाषी थी, इसको कार चलानी नहीं आती थी, तो दोनों की बात तो दूर रही, यहां पर एक जो है वो मराठी भाषी कार नहीं चला सकती, तो दोनों तो कार चला ही नहीं सकती, दोनों नहीं हो पाएगा। दोनों कार चलाने वाले मराठी भाषी हैं, एक तो ये कार चलाता है और एक ये कार चलाता है। अब यहां पर एक ध्यान दीजिएगा कि डेविड या तो क्या होगा, तमिल भाषी होगा, या क्या होगा, मराठी भाषी होगा। उसी प्रकार इसको भी मैं नहीं बता सकता ये तमिल होगी या मराठी,
या इसको अपने कुछ इस तरीके से ना लिखकर आपकी सुविधा के लिए मैं ये लिखता हूँ, थोड़ा मार्कर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मार्कर का कलर मैं चेंज कर देता हूँ कि अगर ये तमिल है तो ये मराठी होगा, और यदि ये मराठी है तो ये तमिल होगा। सर ऐसा क्यों, हम कैसे कह सकते हैं कि अगर ऊपर वाले को तमिल मान लें तो नीचे वाला मराठी हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता क्या है, होगा ही। एक तमिल आ गया, तमिल कितने हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं। अगर मैं इसको तमिल मान लूं तो मेरे तमिल पूरे हो गए दोनों, तो ये क्या होना चाहिए? अनिवार्य रूप से मराठी। अनिवार्य रूप से मतलब कि अगर ये तमिल मान लूं तो अनिवार्य रूप से मराठी, और उसी प्रकार अगर इसको मैं मराठी मान लूं तो दो मराठी हो गए, तो इसको अनिवार्य रूप से क्या होना पड़ेगा? तमिल। तो दोनों जो कार चलाते हैं उसमें से एक तमिल होगा और एक मराठी होगा। अब कौन क्या होगा ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि एक तमिल और एक मराठी होगा। हाँ, अब हो सकता है कि ये तमिल और ये मराठी हो, और ये तमिल और ये मराठी हो, ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये बता सकता हूं कि कार चलाने वालों में से एक तमिल होगा तो दूसरा मराठी, एक तमिल होगा तो दूसरा मराठी, ये बता सकता हूं मैं। ठीक है, तो दोनों मराठी भाषी कार चला सकते हैं, ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों कार चलाने वाले मराठी हैं, ये भी गलत हो गया। कार चलाने वालों में से एक तमिल भाषी है, यस, कार चलाने वालों में से एक तमिल भाषी है, या तो इसको सही मान लो चाहे इसको सही मान लो, लेकिन ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो तमिल भाषी है, दूसरा तो नहीं बता मुझे, लेकिन एक बंदा जो है वो तमिल भाषी है और दूसरा मराठी है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दो सवाल, आगे चलें। देखिए भी अगला सवाल है हमारा, एक फिल्म का संगीत निर्देशक, म्यूजिक डायरेक्टर, एक संगीत रचना के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए चार व्यक्तियों की टीम चुनना चाहता है। कुछ भी नहीं है, एक आदमी को चार लोगों की टीम बनानी है। इस कार्य के लिए उसके पास सात व्यक्ति उपलब्ध हैं। रोहित, पेपर में नहीं लिखेंगे भी आप, यहां मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए लिखता हूं यहां पर, रोहित, तान्या, कुणाल, सॉरी शोभा कौशल, मुकेश और जसवंत। कुणाल, मुकेश और जसवंत, आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं, और ये पेपर में नहीं लिखने होते क्योंकि आपके सामने तो पेपर होता ही है, इसलिए आप नहीं लिखेंगे इन्हें। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, रोहित और तान्या एक साथ कभी काम नहीं करेंगे। रोहित और तान्या कभी एक साथ काम नहीं करेंगे, यानी कि जहां रोहित होगा वहां तान्या नहीं होगी, जहां तान्या होगी वहां रोहित नहीं होगा। कुणाल और शोभा एक साथ काम नहीं करेंगे, कुणाल और शोभा एक साथ काम नहीं करेंगे। मुकेश और कुणाल एक साथ काम करना चाहते हैं, यानी के मुकेश और कुणाल एक साथ रहेंगे, ठीक है, एक साथ काम करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से लोगों का सर्वाधिक स्वीकार्य समूह कौन सा है जिसे चुना जा सकता है? मैं आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन भी लिख देता हूं यहां पर, वैसे तो आपकी डिस्प्ले पर आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी रोहित, शोभा, कुणाल और कौशल, रोहित, शोभा, कुणाल और कौशल, तान्या, कौशल, शोभा और रोहित, तान्या, कौशल, शोभा और रोहित, तान्या, मुकेश, कुणाल और जसवंत, तान्या, मुकेश, कुणाल और जसवंत।
शोभा तान्या रोहित, शोभा तान्या रोहित और मुकेश, रोहित और मुकेश, ठीक है। अब देखिए भी इसमें क्या है सवाल में, सवाल तो आसान सा ही है ये कि रोहित के साथ कभी तान्या काम नहीं करेगी, जहां रोहित होगा वहां तान्या नहीं होगी। रोहित आया तान्या नहीं आई, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, रोहित आया लेकिन तान्या नहीं आई, सेटिस्फाइड हो रही है पहली कंडीशन अभी तक, दूसरी नहीं हुई, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है। दूसरी, कुणाल और शोभा भी एक साथ काम नहीं करेंगे, कुणाल और शोभा देखो एक साथ काम कर रही हैं, कुणाल और शोभा एक साथ काम कर रहे हैं जो कि काम नहीं कर सकते, पहला ऑप्शन गलत हो गया। कुणाल और शोभा एक साथ काम नहीं कर सकते। आगे चलें, तान्या कौशल शोभा और रोहित, तान्या के साथ रोहित नहीं हो सकता, तान्या के साथ रोहित है, तान्या और रोहित नहीं हो सकते, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, तान्या के साथ रोहित नहीं हो सकता, तान्या के साथ रोहित है कहीं पे तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश के साथ कुणाल होगा ही होगा। मुकेश और कुणाल साथ हैं, ये भी कंडीशन सही है। जसवंत के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इसको क्या मानूंगा, सही मानूंगा, क्योंकि जसवंत है नहीं है कुछ फर्क उससे नहीं पड़ता, ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाइड होने चाहिए, इसके अलावा चाहे कुछ भी है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए, मतलब कि चौथा, कहीं चौथा ऑप्शन तो सही नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। शोभा और तान्या, शोभा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि शोभा के साथ कुणाल काम नहीं करेगा, ठीक है, शोभा के साथ कुणाल काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आगे तान्या, तान्या के साथ रोहित काम नहीं करेगा, लेकिन तान्या के साथ तो रोहित काम कर रहा है इस ऑप्शन में, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएंगे, ये एक ऑप्शन बचेगा जो कि आपका सही आंसर होगा। देखिए भी अगला सवाल, गीता अपनी चचेरी बहन मीना से बड़ी है, गीता मीना से बड़ी है। अब देखो एक बात और बताता हूं मैं आपको, अब कुछ लोग क्या करते हैं, या किताबों में ये लिखा जाता है कि गीता मीना से बड़ी है, कई बार हम खुद ही उलझ जाते हैं कौन बड़ा था कौन छोटा, निशानों, क्योंकि इसका ग्रेटर देन स्मॉलर देन के निशान कुछ अजीबोगरीब से होते हैं कि हम खुद ही उलझ जाते हैं, ऐसे मत किया कीजिए, हमें टेक्निकल बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, भी बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे तो ही नंबर बनेंगे। सी सेट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब कि उसमें चार ऑप्शन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो ऐसे लिखिए गीता को ऊपर लिख दीजिए तो क्या बन जाएगी, गीता मीना से बड़ी बन जाएगी, गीता को ऊपर लिख दो मीना के, गीता मीना से बड़ी हो गई। चलिए आगे चलते हैं, मीना का भाई विपिन, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मीना का भाई है विपिन, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, बात की बात है, लेकिन एक बार ये तो लिखना कि मीना का भाई है विपिन, क्या पता इसी पे कोई सवाल पूछ ले आगे, तो मीना का भाई विपिन है जो गीता से बड़ा है, अब बताओ गीता के भी ऊपर है तो यहां लिख दूंगा मैं क्या, विपिन, ठीक है। जब मीना और विपिन गीता के घर जाते हैं तो वे शतरंज खेलना पसंद करते हैं, तो मीना और विपिन क्या खेलना पसंद करते हैं, शतरंज, ठीक है, जब वे कहां जाते हैं, गीता के घर, ये गीता लिखा है मैंने, गीता के घर, मैं हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको स्पेलिंग में ऐसा ना हो कि हम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब चार निष्कर्ष निकाले गए हैं तो कौन सा सही है, ऑप्शन ए, गीता और मीना के साथ शतरंज खेलते समय विपिन हार जाता है, एक सेकंड भी, एक, एक, एक अपनी लाइन इंफॉर्मेशन जो है क्या हो गई, मिस हो गई, शतरंज खेलना पसंद करते हैं, लाइन नंबर तीन मैंने छोड़, मेरे से छूट गई, क्या थी, गीता की अपेक्षा मीना अधिक बार जीतती है, मीना
ज़्यादा जीतती है, या इसको ये लिख लीजिए मीना ज़्यादा जीतती है, गीता कम जीतती है। ठीक है, इसको यहाँ की बजाय वहीं लिख लो ताकि काम आ जाए। आगे चलते हैं। अब देखिए ऑप्शन, गीता और मीना शतरंज खेलते समय विपिन अक्सर हार जाता है। गीता और मीना के साथ विपिन हार जाता है, कहाँ लिखा है विपिन हार जाता है? पहली बात तो शतरंज में दो लोग खेलेंगे, दूसरी बात अगर विपिन गीता के साथ खेलता होगा तो हमें क्या पता जीतता है कि नहीं जीतता, मीना के साथ खेलता है तो भी हमें नहीं पता। हाँ, इन दोनों का पता है कि ये थोड़ा कम जीतती है और ये ज़्यादा बार जीतती है। विपिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अपनी तरफ से, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मत क्रिएट किया कीजिए। ठीक है, गीता तीनों में सबसे ज़्यादा उम्र की है। गीता सबसे ज़्यादा उम्र की है क्या? नहीं, सबसे ज़्यादा उम्र का तो विपिन है। गीता खेल में हारना ना पसंद करती है, इसमें पसंद ना पसंद की तो बात ही नहीं थी यहाँ पे। हाँ, ये दे रखा था कम हारती कम जीतती है और ये ज़्यादा जीतती है, पसंद ना करने की तो बात ही नहीं थी। डी है, मीना तीनों में सबसे कम उम्र की है। यस, मीना सबसे कम उम्र की है, क्योंकि मीना सबसे नीचे है तो मीना सबसे कम उम्र की है। बिल्कुल सही है कि मीना क्या है, सबसे कम उम्र की है। ये भी सवाल आप हमारा हो गया। देखिए भी अगला सवाल, ए बी सी डी ई और एफ चचेरे भाई हैं। ए बी सी डी ई और एफ भाई हैं, कोई भी दो चचेरे भाई एक ही उम्र के नहीं है, मतलब या तो बड़ा होगा छोटा होगा, एक ही उम्र के नहीं होंगे, किंतु सभी का जन्मदिन एक ही माह की एक ही तारीख को पड़ता है, यानी कि अगर मेरा मार्च को है तो मेरे भाई का भी मार्च में होगा, और एक ही उम्र के हैं नहीं, मतलब सभी में एक साल का डिफरेंस होगा। समझिए, मेरी लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी। ये कहता है कि एक ही माह के एक ही तारीख को है, इसका मतलब समझिएगा, एक ही माह की एक ही तारीख को है, मतलब क्या है कि यदि मार्च मान लूं, मैं 1 मार्च को मान लूं तो सबका जन्मदिन 1 मार्च को होगा, 15 मार्च मान लूं 15 मार्च को होगा सबका, 1 अप्रैल मान लूं सबका 1 अप्रैल को होगा, मई मान लूं तो सबका मई में होगा। तो मान लो कि एक बंदे का जन्मदिन 1 मार्च को है और दूसरे का भी 1 मार्च को है, और दोनों का एक उम्र हो नहीं सकती। मान लो कि एक की डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 1995 मान लेते हैं, तो अब दूसरे भाई की अगर मान लो एक ही है तो दूसरे भाई की क्या होगी, या तो 95 से अलग होगी या 96 होगी। अब देखो ये तो पता ना कि बी का क्या होगा, 1 मार्च होगा, क्योंकि सबका जन्म एक ही माह की एक ही तारीख को है, तो क्या होगा 1 मार्च ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर 1995 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही उम्र के तो है ही नहीं, एक ही उम्र के नहीं है, अलग अलग उम्र के हैं। अब अलग अलग उम्र के हैं तो इसका या तो 96 होगा, 97 होगा, या 94 93 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 95 नहीं होगा। ये 95 इसका हो सकता है, इसका 95 नहीं होगा। समझ नहीं बात, क्योंकि इसने लिखा था कि एक ही उम्र के नहीं है। आगे बात करें, सबसे छोटा 17 साल का है और सबसे बड़ा जो ई है वो 22 साल का है। सबसे छोटा 17 साल का है और सबसे बड़ा 22 साल का है, और बाकी सारे इसके बीच में हैं, तो बना लेते हैं अपने 18 19 20 21, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, 1 2 3। ये तो मुझे कन्फर्म थे कि सबसे बड़ा 22 का है, सबसे छोटा 17 का है। अब बीच में चेक करना पड़ेगा, 18 19 20 21 आ रहे हैं और 22 और 17 थे ही, तो 6 लोग थे, ऊपर भी कितने लोग थे, 6 लोग थे, मतलब मैंने सही बनाया है, मतलब मैंने क्या बनाया है, सही बनाया है 17 18 19 20 21 22। सबसे बड़े वाले को मैंने ऊपर छोड़ दिया, सबसे छोटे वाले को मैंने नीचे छोड़ दिया। सबसे बड़ा कौन है, ई है जो कि 22 साल का है। सबसे बड़ा कौन है, ई है जो कि 22 साल का है। एफ जो है बी और डी के बीच में है, एफ जो है बी और डी के बीच में है। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि सर ये ऐसे क्यों बनाया, आपने तो कहा था कि एज में ऐसे बनाया करो। देखो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं,
कि अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो F तो बीच में आ गया लेकिन B D से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे बनाता हूं। अब बताओ, अब D क्या हो गया, बड़ा, और B क्या हो गया, छोटा। यहां पर B क्या था, बड़ा था, D क्या था, छोटा था, लेकिन दोनों में कंडीशन सेम है। देखो F B और D के बीच में है, F B और D के बीच में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अभी मैं नहीं बता सकता कौन बड़ा है कौन छोटा, इसलिए मैं इसको एक बार ऐसे लिख लेता हूं ताकि मुझे नहीं पता। हाँ, ये पता है कि बीच में आएगा, बाकी मुझे ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आगे देखे, आगे क्या है, ए बी से उम्र में बड़ा है। तो मैंने क्या बताया था, ए बी से बड़ा है, यानी कि ए बी के ऊपर आएगा हमेशा। अब यहां पर एक ध्यान रखिएगा, हमेशा ए बी से बड़ा है तो हो सकता है कि ए और बी के बीच में कोई एक बंदा हो। अब एक बात बताओ कि मैं हूं आज, मान लीजिए मेरी उम्र है 22 साल, मान लीजिए मेरी उम्र है 22 साल, मेरा एक छोटा भाई है, इस छोटे भाई की उम्र है मान लेते हैं 21 साल, मेरी एक छोटी बहन भी है उसकी उम्र मान लेते हैं 20 साल। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा कि मेरी बहन मुझसे छोटी है, मैं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि मेरी बहन, अगर मैं ये आप बात बोलूं आपको कि मेरी बहन मुझसे छोटी है, तो क्या आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या कि मेरे ठीक बाद मेरी बहन ही आएगी, उसके बाद कोई और आएगा? नहीं निकाल सकते ना, छोटी बहन तो यहां भी हो सकती है, और छोटी बहन हो सकती है कि बीच में मेरा ये भाई और होता तो उसके बाद भी हो सकती थी। तो मेरी बहन अगर मुझसे छोटी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो मुझसे ठीक छोटी है। ठीक छोटी मतलब हो सकता है कि मेरी और मेरी बहन के बीच में मेरा और भाई आता हो सकता है मेरी और बहन भी आती हो, तो मैं ये नहीं कह सकता। तो इसी प्रकार से ए बी से बड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ए बी से ठीक एक साल बड़ा है। बड़ा है, हो सकता है एक साल हो, दो साल हो, तीन साल हो, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई मैटर नहीं है। आगे चलते हैं, सी, अब देखो सी डी से उम्र में बड़ा है तो इसको छोड़ देते हैं, सी डी से बड़ा है, सी डी के ऊपर आएगा। अब कितना ऊपर आएगा, हो सकता है कि सी यहां हो डी यहां हो, सी यहां पर हो डी यहां पर हो, सी ऊपर आएगा, अब कितना ऊपर आएगा मुझे नहीं पता। ए सी से एक साल बड़ा है, ए सी से एक साल बड़ा। अब सर इसको तो आपने ऐसे दिखा दिया, इसको भी ऐसे दिखा दिया, जबकि यहां तो आपको दे रखा था ना कि एक साल बड़ा है, तो इसमें फर्क क्या है? अब मैं यहां पर एरो लगा दूंगा। एरो क्यों लगा दूंगा कि सी के ठीक ऊपर कौन आएगा, ए। ऐसा क्यों कह सकता हूं मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ए सी से ठीक एक साल बड़ा है, यानी कि सी के ठीक बाद, यानी कि सी के ठीक ऊपर कौन आता है, ए आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके? तो ए के ठीक, अब देखो ये बात आगे ना, यहां पर ए के नीचे कौन आता है, देखो सी, और ए के नीचे कौन आता है, बी, तो बी भी ए के नीचे है, सी भी ए के नीचे है, लेकिन ए के ठीक नीचे कौन आता है, आप कह दोगे सर सी आता है, तो ए के ठीक नीचे कौन आता है, सी, और उसके बाद में फिर कौन आएगा, बी आएगा। अब देखिए यहां पर एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा मेरी, थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये, तो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अब मैं ए और सी को भरना चाहता हूं, मैं कहीं भी ये ए यहां भर सकता हूं, यहां भर सकता हूं, यहां पर कहीं भी भर सकता हूं, मैं आपको बना के आपके सुविधा के लिए बना रहा हूं, एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं मैं, एग्जाम में आप दिमाग लगाएंगे क्या लगाएंगे मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं बना देता हूं, चार कंडीशन बना ली मैंने, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, चार कंडीशन बना ली। ई सबसे बड़ा है, कन्फर्म है, ई सबसे बड़ा है, कन्फर्म है, तो जो चीज कन्फर्म होती है वो तो सब में भर दो। ये मैंने चार पॉसिबिलिटी बना ली, हो सकता है ये वाली, हो सकता है ये वाली, हो सकता है ये वाली, और हो सकता है ये वाली, तो ई कन्फर्म है, तो चारों में ई तो फिक्स हो गया,
क्योंकि ई कन्फर्म था, अभी ई 22 साल का है, ये कन्फर्म हो गया। अब देखो ए के ठीक नीचे सी आएगा, ए के ठीक नीचे कौन आएगा, सी। हो सकता है ए यहां और सी यहां हो, नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना, हो सकता है ए यहां और सी यहां हो, हो सकता है ए यहां और सी यहां हो, हो सकता है ए यहां, सॉरी ए यहां और सी यहां हो। इसके नीचे जा सकते हैं क्या, अगर यहां ए आएगा तो फिर सी कहां जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा खाना कौन आ गया, 17 साल वाला आ गया, तो ए यहां पर आएगा तो सी कहां जाएगा, समझ रहे हो। अब आप एक बार मैं समझा रहा हूं आपको, अब आप दिमाग लाएंगे, पहले आप एग्जाम के अंदर तो दिमाग में सोचेंगे ये बातें, यहां पर मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूं सिर्फ, काम में ले ली। अब बी भी कहां आएगा, बी भी कहां आएगा, ए के नीचे आएगा। अब पेपर में तो ये दिमाग में सोचना था, लेकिन यहां अपने, चलो यहां अपने बनाते हैं ये कि बी कहां आएगा, ए के नीचे। अब बताओ यहां ए के नीचे आने के लिए जगह पड़ी है क्या, बी के पास, बी के पास ए के नीचे आने के लिए जगह पड़ी है क्या, लास्ट खाना आ चुका है ये, नहीं है ना जगह, ये कंडीशन तो गलत हो गई, हो गई गलत। आगे चलते, अब ए के नीचे कहीं बी आएगा और बी को एक छोड़ के, यानी कि बी और डी के बीच में एफ आएगा। आइए ए और सी के नीचे बी आएगा, ए के नीचे बी आएगा, ए के नीचे कौन आएगा, बी आएगा, और बी को बी और डी के बीच में एफ आएगा। अब बी और किसके बीच में, डी के बीच में, अब डी क्या बनाऊं बताओ, बी को एक छोड़ के डी है, बी को एक छोड़ के डी है, ऊपर नीचे तो नहीं पता, लेकिन ये तो बताना कि एक छोड़ के है, बी को एक छोड़ के नीचे में जा नहीं सकता, बी को एक छोड़ के ऊपर में आ नहीं सकता, क्योंकि ऊपर तो ए आ गया, बी को एक छोड़ के डी है, लेकिन यहां तो ये जगह बुक है, ये सीट तो बुक है, नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं है, ऊपर सीट बुक है, ये कंडीशन में क्या हो गई, गलत हो गई, ये कंडीशन में क्या हो गई, गलत हो गई। एग्जाम में सोचना है कि कम से कम इसको इतना ऊपर रखो कि नीचे बी आ जाए, ठीक है। अब देखो बी को एक छोड़ के डी है, यानी कि बी एफ डी साथ साथ आएंगे, ठीक है, बी एफ डी साथ साथ आएंगे, कहां बना दूंगा मैं, क्या बना सकता हूं मैं, यहां बना सकता हूं क्या, ए के नीचे बी आएगा, ये लो बना दिया, इसको छोड़ो आप, ए के नीचे बी आएगा बना दिया, चलो मैंने कोई बात नहीं। अब बताओ बी को एक छोड़ के, बी के एक छोड़ के एफ कहां लिखूं मैं, बी एफ डी कहां लिखूं, बी के नीचे एफ लिख दो सर, तो भी डी कहां लिखूंगा, बी के नीचे एफ लिख देंगे तो डी कहां लिखेंगे, नहीं जगह, बी के यहां एफ लिख नहीं सकते क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है। आप कहोगे सर बी को यहां लिख के देख लो, तो भी बताओ जगह कहां है, चल यहां मैं एफ लिख दूंगा, अब डी कहां लिखूं मैं, चल बी को साथ एफ है और फिर डी है, यहां एफ लिख दूंगा, डी कहां लिखूंगा मैं, नहीं लिख सकता, तो मैं इसको भी काट रहा हूं, क्योंकि ये भी कंडीशन क्या हो गई, गलत। अच्छा सवाल था ये सोचना पड़ेगा दिमाग में आपको, बनाना नहीं पड़ेगा, बनाया तो मैंने आपकी सुविधा के लिए, सोचनी पड़ेगी चीजें, ये समझ रहे हैं आप। अब आप बी को यहां लिख सकते हैं, तो एफ यहां आएगा और डी यहां आएगा, समझिए इस बात को, बी यहां आएगा तो एफ और डी यहां आएंगे, आएंगे, लेकिन सर बी यही क्यों लिखा, आप बी यहां भी तो लिख सकते थे, यहां नहीं लिख सकता था, क्यों, बी के साथ एफ है और डी है, अब बी के ऊपर मैं एफ लिखूंगा तो मेरे पास डी लिखने की जगह नहीं है, बी के नीचे मैं एफ लिखूंगा तो भी मेरे पास डी लिखने की जगह नहीं है, बी के ऊपर एफ लिखकर डी लिखने की जगह नहीं है, और बी के नीचे एफ लिखकर डी लिखने की जगह नहीं है, मैं क्या करूंगा, यहां तो नहीं आएगा, लेकिन यहां पर बी एफ और डी आ सकता है, बी एफ और डी आ सकता है, ऊपर वाले तो फिक्स हो ही गए थे, ई ए और ये तो तीनों फिक्स है ना हमारे, ई ए सी तो फिक्स ही है हमारे, चक्कर किसमें था कि सर बी को कहां लिखेंगे, क्योंकि बी एफ और डी साथ साथ रहेंगे, तो बी एफ डी लिख दिया,
या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि बी डी से बड़ा है, एफ से बड़ा है, ऐसा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बी एफ और डी के बीच में ऐसे आपस में क्या संबंध है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। ए बी से बड़ा है, इन्फॉर्मेशन काम में ले ली मैंने, ए बी से बड़ा है। सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, ये भी इन्फॉर्मेशन काम में ले ली मैंने। तो तीनों सूचनाएं काम में आ गई और मेरे पास सूचना नहीं है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं आपके। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपकी? आप कहेंगे सर दो पॉसिबिलिटी। अच्छा सवाल था, एक बार नहीं समझ आया हो तो रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और देखो एक आधा सवाल अच्छा होना भी चाहिए, इतनी देर से आसान सवाल कर रहे थे, एक सवाल अच्छा भी होना चाहिए। अब आपसे पूछा क्या गया है अभी इसके अंदर, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभव है? डी 20 साल का हो सकता है क्या? डी का पता ही नहीं, डी यहां पर भी है एक कंडीशन में तो, एक पॉसिबिलिटी में तो, और एक पॉसिबिलिटी में डी यहां पर है, तो डी के बारे में नहीं कह सकता। एफ 18 साल का है, एफ यहां भी 18 साल का है, इस पॉसिबिलिटी में भी और इस पॉसिबिलिटी में भी 18 साल का है, तो यस मैं कह सकता हूं कि बी 18 साल का है। दूसरा ऑप्शन था एफ 18 साल का है, यस एफ 18 साल का इस पॉसिबिलिटी में भी है और इस पॉसिबिलिटी में भी है, दोनों पॉसिबिलिटीज में एफ 18 साल का है, सही हो गया ऑप्शन ये। सभी छह चचेरे भाइयों को अगर एक अनुक्रम में रखना हो, बढ़ती हुई उम्र के अनुक्रम में रखना हो, तो कितने प्रकार से रखा जा सकता है? अगर इस क्वेश्चन को मैं साधारण भाषा में बात करूं तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, इस सवाल का उत्तर आएगा दो। इस सवाल में कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? दो पॉसिबिलिटीज आपकी बन जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, हो सकता है कि ये सवाल एक बार के लिए ना भी समझ में आया हो, लेकिन दोबारा ट्राई करेंगे आप, थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे, ज़रूर समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये था हमारा पजल टॉपिक, और कोई पजल होती है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और इसके बाद यदि कोई टॉपिक बचा है तो उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देंगे, जो भी हमारा सिलेबस है इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम पूरा करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। कल इसी समय दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।